यूं तो आपने विश्व भर में कितने ही देवी देवताओं के मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने किसी डिवोर्स टेम्पल के बारे में सुना है? ये नाम सुनकर ही आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे नाम का मंदिर है और कहां पर है। तो आपको बता दें कि ये मंदिर जापान में है, जिसे करीब 600 साल पहले मात्सुगोका टोकेई जी के नाम से स्थापित किया गया था। बताया जाता है कि यहाँ घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाएं आती थी। नमस्कार, मैं हूं लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी की खास पेशकश। दरअसल जापान में ये मंदिर कानगावा प्रांत के कामकुरा शहर में है, जिसे टेकोजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐतिहासिक बौद्ध टेम्पल उस समय का है जब महिलाओं के पास अपने हक के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे और जापान में तब तलाक का भी कोई प्रावधान नहीं था। जब जापान में महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर जाती थी तो उन्हें इस मंदिर में शरण मिला करती थी। मंदिर की स्थापना 1285 में बौद्ध नन काकुसन शिदोनी ने की थी। उस दौरान यानी 1185 और 1333 के बीच जापान में महिलाओं को सीमित कानून अधिकार दिए जाते थे और कई सामाजिक प्रतिबंध भी लगे हुए थे। जब महिलाएं पतियों से नाखुश होकर यहां आकर ठहरने लगी, तब धीरे धीरे ये मंदिर भी सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखा जाने लगा। महिलाओं के लिए संस्था के रूप में लोकप्रिय हुआ ये मंदिर आज भी उतना ही प्रसिद्ध है। बाद में टोकोजी महिलाओं को ऑफिशियल तरीके से तलाक सर्टिफिकेट देने लगा। इस प्रमाण पत्र को सुफुकुजी के नाम से जाना जाता है। इस सर्टिफिकेट में शादी से जुड़े कानूनी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। धीरे धीरे ये मंदिर काकोकोमी डेरा, रिश्ते को तोड़ने का मंदिर, भगोड़े महिलाओं के मंदिर या तलाक मंदिर के नाम से भी पुकारा जाने लगा। मंदिर अंदर से सुंदर बगीचों और खूबसूरत वास्तुकलाओं से घिरा है। इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसे तमाम और एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।